तो हेलो गाइस, क्या हालचाल बड़े सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GT5। और गाइस आज हम अपनी इंडियन कार वर्सेस सुपर कार करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि अनमोल भाई इंडियन कार वर्सेस सुपर कार करो। तो फाइनली तुम्हारा भाई यहाँ पे लेके आ चुका है गाइस इंडियन कार वर्सेस सुपर कार। आप लोग देख सकते हो पहली रॉ में तो भाई अपनी सारी की सारी इंडियन कार खड़ी है, एंड सेकंड रॉ में अगर आप लोग देखोगे तो टोटल भाई अपनी सारी की सारी सुपर कार खड़ी है। और बात करी जाए गाइस आज की अपने चैलेंज की, तो फटाफट से मैं आपको अपना चैलेंज दिखा देता हूँ। और गाइस आज का अपना चैलेंज रहने वाला है मेगा रैम चैलेंज। और एक बार आप लोग अगर अपना रैंप देखो तो काफी खतरनाक है गाइस। एक बारी देखो भाई यहाँ पे जो स्पीड बम टाइप का बनाया है ना, और स्पीड बम भी भाई ट्रायंगल वाले बने हुए हैं। और देख सकते हो गाइस ये है भाई अपना मेगा रैंप जिस पे कि अपनी इंडियन कार और सुपर कार चल के जाने वाली है, और काफी लंबा ट्रैक है। और गाइस एक चीज आप लोग शायद नोटिस नहीं करी है कि ये अपना जो मेगा रैंप है ना वो बहुत ही ज्यादा पतला है, तो यहाँ पे गाड़ी की साइड में गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये जो चैलेंज है भाई कुछ लकी कार ही कर सकती है, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी काफी सारे मेगा रैंप चैलेंजेस करे हैं, वहां पे यही सीन होता है और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। और उसके बाद अपनी गाड़ी अगर जैसे तैसे यहाँ तक पहुंच भी जाती है, फिर उसके बाद उसको यहाँ से जंप लेके भाई पहुंचना है अपने ये वाले एरिया पे। मतलब जो भी गाड़ी अगर पानी के अंदर भी गिरेगी ना तो भी वो अपने चैलेंज से गाइस आउट हो जाएगी। तो फटाफट से गाइस अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस सबसे पहली कार है भैया अपनी टाटा हैरियर, तो लेके चलते हैरियर को और देखते हैं भाई अपनी हैरियर मेगा रैम चैलेंज कितने बढ़िया से करती है। तो ये चली गाइस हैरियर, और मैं यहाँ पे ना स्लो डाउन स्पीड नहीं रखूंगा, ज्यादातर मैं स्पीड फास्ट ही रखने वाला हूँ। और यहाँ पे देखते हो भाई हैरियर काफी सही जा रही है। अरे ट्रैक के बाहर नहीं जाना, अरे नहीं, ओ ओ ओ, 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 ओ अरे नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है। ओ बच जाएगी, बच जाएगी, बच जाएगी भाई, थैंक गॉड। ये जो पिलर है ना इनकी वजह से बच चुकी है। अरे भैया दरवाजा निकल चुका है भाई। ओ टाटा हैरियर की तो हालत खस्ता हो गई है गाइस, अभी भी कुछ नहीं बना, बिगड़ा है, अभी भी अपनी गाड़ी यहाँ पे कर सकती है। और ये देखो भाई काफी बेहतरीन जा रही है, एंड 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 अरे नहीं गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, ओ काफी बढ़िया जा रही है भाई टाटा हैरियर अपनी, बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पे। ओहो ओ भाई साहब, ओ गाइस यहाँ तक तो आ गई है, अभी देखना ये होगा कि ये जंप ले पाएगी नहीं। काम करते थोड़ा और ऊपर से ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है आई थिंक से स्पीड इनफ नहीं होने वाली है। एंड गाइस यहाँ पे फिंगर क्रॉस कर लो सभी लोग, अभी देखते हैं अपनी टाटा हैरियर भाई यहाँ पे जंप ले पाती है नहीं। ये चली गाइस टाटा हैरियर, और ये मार दिया है भाई गाड़ी ने जंप, और ये देख सकते हो भाई सिनेमैटिक लुक में यहाँ पे। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अपनी जो टाटा हैरियर है वो पानी के अंदर गिरने वाली है गाइस, अभी देखना होगा भाई। ओ क्या ये पानी में गिरेगी या फिर सूखी जगह में गिरने वाली है। ओके ओके गाइस अभी जो अपनी हैरियर है वो चलो प्लेन एरिया पे तो आ गए, मतलब प्लेन एरिया पे, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, अरे उसको इग्नोर मारो। आप लोग ये देखो गाइस अपनी हैरियर भाई क्या ही लाजवाब चैलेंज कर रहा है। और एक काम करते हैं इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। ये भी देखेंगे कि सबसे लंबा जंप कौन सी कार करेगी, और हालत तो आप लोग मत ही देखो गाइस तो ही अच्छा है। तो गाइस अभी लेके चलते हैं अपनी BMW i8 को, और देखते हैं भाई जो अपनी BMW i8 है वो अपना मेगा रैंप चैलेंज कर पाती है नहीं। तो ये चली गाइस BMW i8, और यहाँ पे देख सकते हो काफी बेहतरीन जा रही है। ओ भाई मतलब गाड़ी स्टेबल तो काफी सही है, और अभी तक और भाई साहब क्या ही जंपिंग जपा करते हुए जा रही है। ओ यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं। ओ गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है, ओ पूरी घूम चुकी है। नहीं 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 नहीं, अरे नीचे नहीं, नीचे नहीं। ओ गई 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 भाई गई। अरे यार गाइस, ओ भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई, काफ़ी सही जा रही थी भाई अपनी BMW i8 पर, थोड़ा सा भैया जो है ट्रैक के बाहर जाने के बाद आप लोग देख सकते हो गाड़ी के साथ में क्या हुआ है। तो गाइस अभी लेके आते हैं फटाफट से अपनी अगली कार को। तो गाइस अभी लेके चलते हैं भाई अपनी महिंद्रा थार को, और देखते हैं महिंद्रा थार जो है भाई अपना चैलेंज करने में सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं। अरे भाई सब थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो इसीलिए स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ गई मेरे को यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हो थार भैया रैम के बाहर मत जा, रैम के बाहर जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओ ओ काफी सही जा रही है गाइस अपनी थार यहाँ पे। अरे नहीं अब तो पूरा डिसबैलेंस हो गई है। अरे नहीं नहीं नहीं, ओह क्या ये बचेगी गाइस, क्या लग रहा है, आओ देखते हैं क्या होता है। ओ गाड़ी अभी भी ट्रैक पे है, ट्रैक पे है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे भाई साहब, ओ यार भाई महिंद्रा थार तो काफी पलटी बल्टी खा चुकी है, पर अभी भी गाड़ी जो है अपना ट्रैक पे है, और ये बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो भाई अपनी थार काफी कमाल तरीके से जा रही है, और ये चली अपनी थार, क्या क्या इसके लिए इतनी स्पीड इनफ थी। आओ गाइस देखते हैं भाई क्या होता है, क्या लग रहा है गाइस कि अपनी थार जो है पानी में गिरने वाली है, या फिर क्या होगा भाई, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ गाइस। अरे नहीं अपनी थार जो है वो भाई पानी में गिर रही है। ओ गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या बाहर निकल पाएगी, अरे मेरे कद्दू का बाहर निकल पाएगी भाई, गाड़ी का इंजन ही बंद पड़ गया। लो लो गाइस हो गया काम खत्म भाई यहाँ पे। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो है अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस, तो देखते हैं उरुस यहाँ पे भाई अपना मेगा रैंप चैलेंज कितना बढ़िया से करती है। तो ये चली गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस यहाँ पे,
काफी जबरदस्त जा रही है। और गाड़ी देखो भाई काफी बढ़िया स्टेबल है भाई, मेंटेन मतलब मेंटेनेंस काफी बढ़िया, मेंटेनेंस नहीं यार मेंटेन काफी अच्छे से रखा है भाई अपनी गाड़ी ने। और देख सकते हो यार काफी बेहतरीन जा रही है। ओ भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा, अरे लैम्बोर्गिनी उरुस तो भैया बिल्कुल भी नहीं डिसबैलेंस हो रही है। ओहो गाइस अब देखते हैं जंप ले पाती है नहीं, और ये हमारा गाड़ी ने जंप, अरे भैया जंप भी बहुत लाजवाब है गाइस। ओ भाई मानना पड़ेगा यार, अरे नहीं भाई उरुस ने तो भैया जलवे दिखा दिया है यहाँ पे। ओहो क्या बात है गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस ने क्या ही चैलेंज करा है, मतलब बहुत ही स्मूथ करा है भाई, मेरे को लग नहीं रहा कि और कोई कार इतना स्मूथ करने वाली है। और ये देखो भाई काफ़ी लंबा जंप है यार, अपनी हैरियर काफ़ी पीछे है, वो रोड पे खड़ी है और उरुस को देखो भाई यहाँ पे आके इसने लैंड करा है। अभी देखते हैं गाइस अगली कार कितना लंबा जंप करती है और क्या वो अपना चैलेंज कर भी पाएगी या नहीं। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो है अपनी XUV 500, तो इसको भी लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। भाई ये चली गाइस अपनी XUV 500, यहाँ पे काफ़ी सही जा रही है भाई, अभी तक काफ़ी स्टेबल है पर थोड़ा थोड़ा ट्रैक के बाहर जा रही है। ओ नहीं गड़बड़ हो गई, अरे नहीं ये तो नाच गई भाई, अरे गई खत्म है सी। ओ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ओ बच गई है बच गई, अरे भाई साहब क्या बची है यार XUV 500, मेरे को तो लगा था भाई गई। ओ भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई अपनी XUV 500 अभी भी सही सलामत बची हुई है यहाँ पे और दोबारा से ट्रैक पे भैया अपनी पकड़ बनाते हुए यहाँ पे, और देख सकते हो काफ़ी सही जा रही है, अभी थोड़ा थोड़ा बाहर जाने लगी है ट्रैक के और गड़बड़ हो गई, फिर से दिक्कत हो चुकी है। अरे नहीं और रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे क्या इस बार ये बचेगी गाइस, क्या लगता है? ओ नहीं नहीं ओ ओ ओ मैं चढ़ा देगा यहाँ से, चढ़ा देगा पर चढ़ाऊंगा तो तब नहीं यार रुकेगी यार। ओ भाई XUV 500 काफ़ी सही जा रही थी गाइस, मतलब क्या बताऊँ यार काफ़ी बढ़िया जा रही थी, पर अचानक से आप लोगों ने देखा गाड़ी पूरी डिसबैलेंस हो गई और इसी वजह से गाइस अपनी XUV 500 आज ही अपने चैलेंज में भाई आउट हो चुकी है। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो है अपनी बुगाटी सुपर 300, और भाई साहब देखते हैं बुगाटी सुपर 300 कैसा करती है आज का अपना चैलेंज यहाँ पे मेगा रैम वाला। और ये चली बुगाटी सुपर 300, ओ काफ़ी बेहतरीन, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है और ले, अरे भैया इसके तो पिछवाड़े पर तो फटका पड़ा है ना क्या ही बताओ। ओहो गाड़ी अभी भी बैलेंस है, मतलब ट्रैक पर है अपना, एंड देखते हैं ये चली दोबारा से यहाँ पे काफ़ी लाजवाब, बहुत ही शानदार, ओह बहुत सही जा रही है थोड़ा। अरे भैया अरे क्या हुआ, अरे नहीं फटका पड़ गया। ओह अरे नहीं 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 नहीं, ओ भाई ये कहाँ अटक गई यार, क्या ये यहाँ से निकलेगी? अरे नहीं भाई गाड़ी में जान तो है यार, देख रहे हो कितनी अजीब सी जगह पर अटकी है, और देखो अरे भाई साहब, पर गाइस ये शायद यहाँ से निकलने वाली है, तो अपनी बुगाटी भी गाइस जो है वो अपने चैलेंज में भाई फेल हो चुकी है। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो है अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर, तो लेके चलते हैं इसको और देखते हैं भैया ये अपना मेगा रैम चैलेंज कर पाती है नहीं। और बाकी यार गाइस जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि तुम्हारे भाई को बहुत मेहनत लगी है इस मेगा रैम को बनाने में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग लाइक जरूर से कर दोगे। और ये क्या हुआ भाई लेजेंडर के साथ? ओहो नहीं नहीं भैया ये तो पूरा बैक फ्लिप मार गया। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वो नीचे नहीं गिरना, नीचे नहीं। ओ भाई कब बची है यार, अरे यार मेरी तो जान हलक में अटक गई यार गाइस। ओ यहाँ पे भाई अपनी लेजेंडर बस तो चुकी है पर हालत बहुत ख़राब हो गई। अरे ये फिर से पिलर में ठुक गई, ले गड़बड़ हो गया भाई मामला यहाँ पे। ओ भाई साहब भाई वो पिलर में ना ठुकती ना तो शायद अपनी लेजेंडर भाई काफ़ी बढ़िया करती, पर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भाई लेजेंडर के साथ तो काफ़ी बुरा स्कैम हो चुका है। तो गाइस अभी बारी है भाई अपनी मैक्लारेन 720 के, तो देखते हैं मैक्लारेन यहाँ पे अपना मेगा रैम कर पाती है नहीं। तो ये चली गाइस मैक्लारेन, एंड देखते क्या होता है। ये हमारा गाड़ी ने पहला जंप, और गाड़ी काफ़ी स्टेबल है, बहुत ही बेहतरीन, ओहो क्या ही लाजवाब प्रदर्शन दिखाते हुए। अरे भाई मज़ा ही आ गया, अरे पर ऐसा मज़ा नहीं चाहिए, ये कहाँ जा रही है? लियो भाई ये क्या हुआ इसके साथ, अचानक से भैया ने तो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मतलब ट्रैक ही पूरा बदल दिया। लो भाई खेल ख़त्म है अब तो मैक्लारेन का भाई। गाइस इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, जीजी मामला हो गया इसके साथ, तो कुछ नहीं हो सकता भाई। लो गिर गए पानी में, बस डूब मरो, हाँ तुम्हारा यही काम है भाई डूब जाओ। तो गाइस अभी बारी है भाई अपनी न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा की, तो लेके चलते हैं इसको और देखते हैं ये किधर को खिसकोगी, मतलब लेके चलो इसको और चलो भैया डिस्को। ओहो रैमिंग बन गई यार, कैसी थी रैमिंग गाइस कमेंट में बताओ जाके फटाफट से, आई थिंक तो बहुत ही बेकार थी भाई। ओ भाई इनोवा तो काफ़ी सही जा रही है, चल इनोवा, अरे उधर नहीं इधर चल, ओए फटका पड़ेगा तुझे। अरे नहीं 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 रुक जा रुक जा रुक जा, ओ भाई क्या कंट्रोल हो गया, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, थांबा थांबा थांबा, ओ भाई बच गई है, थांबा हो चुका है गाइस अपना, थांबा और बांबा सब हो गया है। चल मेरी इनोवा दोबारा से आ चुकी है अपनी इनोवा यहाँ पे। अरे अरे अभी ये क्या हुआ भाई, अरे भैया फ्रैंकली बाहर निकल गए,
अरे यार इन्हें सीट बेल्ट नहीं लगाई थी भाई, बेवकूफ का दिन है। ओ गाइस चलो यार, चाहे अपनी गाड़ी अभी भी जिंदा बची हुई है एंड फटाफट से बैठते हैं चल के। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं दोबारा से अपनी इनोवा क्रिस्टा के अंदर, और इसीलिए बोलते हैं भाई सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा भाई क्या हुआ था फ्रैंकलिन के साथ, ऐसे फटका पड़ा ना इसको। अब ये आगे से भाई ऐसे मतलब सीट बेल्ट लगा के बैठा करेगा, और अपनी इनोवा चलो भाई मेगा रैम तो करके अभी देखते हैं जंप। अरे यार एक ना एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे ले लेते हैं, इसको मौका दे देते हैं, क्योंकि आप देखते तो इनोवा की हालत बहुत ख़राब हो गई है। एंड लेट्स गो गाइस। ओ अरे भैया ये तो काफ़ी अजीब चल रही है भाई, ऐसा डगमगा के चल रही है यार। एंड गाइस अभी देखते हैं ये कितना लंबा जंप करेगी भाई अपनी इनोवा, क्या ये पानी में गिरेगी या फिर जो है ये प्लेन आइलैंड पे गिरने वाली है, मतलब आई मीन जमीन पे गिरने वाली है। मेरे को ऐसा लग रहा है अपनी इनोवा जो है ना जमीन पे गिरेगी गाइस। और हाँ भाई जमीन पे तो है, और यहाँ पे ओ भाई साहब गाइस अपनी टाटा हैरियर के बराबर में आके गिरी है, और गाड़ी की हालत देखो यार भाई कैसी हो गई यार अपनी इनोवा क्रिस्टा। अरे मामू लोग चले जाओ वरना ऐसी बंदूक मारूंगा ना तुम्हारे पीछे कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो गाइस अभी बारी है भाई अपनी लैम्बोर्गिनी सियान की, तो लेके चलते हैं इसको और ये देखते हैं क्या करती है भाई। ये चली अपनी लैम्बोर्गिनी सियान, ओहो काफी बढ़िया जा रही है, मेरे को पूरा भरोसा है भाई इस वाली कार पे, ये बहुत बढ़िया अपना मेगा रैम चैलेंज करने वाली है। ओ अरे अरे भाई साहब बच गए, पर उधर नहीं जाना है लैम्बोर्गिनी, थोड़ा इधर अंदर 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 की तरफ आ, अंदर की तरफ आ। ओ काफी बेहतरीन। ओ अरे नहीं, अरे गई खत्म भाई, टाटा बाय बाय गुड बाय। ओ नहीं गुड बाय नहीं गाइस, अभी गुड बाय नहीं हुआ है, अभी है भाई अभी भी है, अभी बचा है यहाँ पे, गुड बाय नहीं हुआ है। ओ क्या बची है भाई इतनी सियान यहाँ पे, लेट्स गो चल सियान, ऑलमोस्ट होने ही वाला है, थोड़ा सा ही बचा है, चल। ओ काफी बेहतरीन, और चलो फाइनली ये तो हो गया, अभी जंप लेते हैं इससे, और ये मारा भैया गड्डी ने जंप यहाँ पे। एंड गाइस क्या लग रहा है, क्या ये अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस से लंबा जंप कर पाएगी, आओ देखते हैं गाइस क्या होता है। और ये देखो भाई गाड़ी कितनी रफ्तार से नीचे गिर रही है यहाँ पे, और थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक के मजे ले लो, चलो सिनेमैटिक बहुत हो गया है अभी। एंड क्या ये लैम्बोर्गिनी उरुस से आगे गिरने वाली है भाई, मेरे को लैम्बोर्गिनी उरुस नजर आ रही है, पर यहाँ पे ओ भाई गाइस थोड़ा सा पीछे रह गई भाई, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे जंप करा है, ज्यादा नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ तो अब भी अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस से हल्का सा पीछे रही है भाई अपनी सियान। तो गाइस अभी बारी है भाई अपनी टाटा सफारी डाइकोर की, तो लेके चलते इसको। और वैसे अगर देखा जाए तो यार डाइकोर काफी ऊंची कार है, तो यार यहाँ पे अनस्टेबल काफी जल्दी हो सकती है। अभी देखते हैं भैया जो लॉजिक है वो कहाँ तक अपना काम आता है, मतलब जो मैंने लॉजिक लगाया, वैसे अभी तक तो मेरा लॉजिक यहाँ पे बेकार जा रहा है, गाड़ी काफी ज्यादा स्टेबल है, और क्या ही जा रही है भाई जंपिंग चपाक करते। ओहो मजा आ रहा है भाई, हाँ ये मारा जंप। ओ नहीं गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओ भैया अरे नहीं क्या होगा मेरा, ओ मेरा नहीं भाई गाड़ी का यार, अरे लो गाड़ी बच गई है। ओ भाई डिग्गी बिग्गी सब खुल गई यार इसकी, तो ओ बंद हो जाए, चलो बंद हो गई है। एंड गाइस अपनी डाइकोर जो है भाई सक्सेसफुली नीचे तक तो पहुंच गई, अभी जंप देखते कितना लंबा मारती है। ये मारा गड्डी ने जंप, और ये हम उड़ चले भाई आसमान की ऊंचाइयों में, और आप लोग देख सकते हो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। बस भाई अब जल्दी से 100-200 ज़्यादा ले ले, पर लैंड करा दे भाई फटाफट, लैंड करा फ्लैंकलिन। कितने पैसे चाहिए तेरे को, 1 रुपये दूँ 2 रुपये दूँ, अरे क्या 10,000 चाहिए, अरे मजाक कर रहा क्या भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। ओह चलो फाइनली गाइस यहाँ पे लैंडिंग अपनी हो चुकी है, और अपनी डाइकोर जो है अभी तक अपनी इंडियन कार में सबसे ज्यादा आगे है। तो गाइस अभी लेके चलते भैया अपनी निसान GT-R को, और गाड़ी देखो यार एकदम ऐसा लग रहा है भाई ये तो रेस वेस करने आई है यार, आओ देखते हैं भाई ये गाड़ी जो है अपना कितना बढ़िया से रेस करती है। ये चली भैया GT-R, ओ काफी बेहतरीन, ओ क्या ही जंपिंग जपाक करते हुए जा रही भाई, ओहो मजा आ गया। अरे तू आग लगा देगी, अरे ऐसी आग मत लगाना कि नीचे ही गिर जाए, पता लगा इसको आग लग जाए पानी में चली जाएगी आग बुझाने अपनी। नहीं गाइस अभी भी गाड़ी ऑन फायर है भाई, ओ काफी बेहतरीन, और ये हम पहुंच चुके हैं, पर ओ भाई बच गए, चलो ये अच्छा है कि गाड़ी रुक गई वरना सीधा जंप ले ली इतना पानी में गिरती। अभी भी मौका है अपनी GT-R के पास में, ओ गाड़ी देखो अरे पीछे वाले टायर कैसे हो गए, और भाई साहब मुड़ गया पूरा गाइस, भैया GT-R की हालत बहुत खस्ता हुई है, और जंप आई थिंक से गाइस जो है बहुत बेकार हुआ है, हम पानी में गिरने वाले, मैं पक्का श्योर बता रहा हूँ भाई, लिख के ले लो मेरे से अभी। ओह अबे अरे ये कैसे हो गया भाई, अरे मेरे को लगा था पानी में गिरने वाले, और ये तो हम किसी के घर की छत पे गिर गए, वाह क्या सीन है भाई, गाड़ी का टायर मुड़ गया पर फिर भी यार गाड़ी ने जंप काफी बढ़िया और सही ले लिया था गाइस। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो है अपनी बुलेरो नियो, तो लेके चलते हैं नियो को, और देखते हैं ये क्या करती है। ओ
अरे मैं ऐसी आवाज गुदा क्यों रहा हूँ भाई, क्या हो जाता है मेरे को पता नहीं, कभी कभी कुछ हो सा जाता है भाई। ओ ये हम उड़ चले और क्या ही जा रही है अपनी नियो यहाँ पे पर लो। अरे ओ रुक जा, अरे नहीं यार शिट भाई, अबे तो सही तो जा रही थी, क्या जरूरत थी तेरे को ऐसा स्टंटबाजी करने की है, अभी आ गया मजा। अरे ये तो पूरा डमरू बन गया यार, क्या नाचते हो जा रही है भाई। ओ गाइस भैया बुलेरो नियो ने तो क्या ही बताओ भाई, कमाल ही कर दिया, मतलब ऐसा बवाल करा है ना कि सीधा गाड़ी भाई पानी में आके गिरी है। तो गाइस अभी लेके चलते हैं भैया अपनी बुगाटी को, और मेरे को इसका बुगाटी का नाम याद नहीं आ रहा है यार, आप लोग कमेंट में बताना ये कौन सी बुगाटी है, क्या ये बुगाटी बिरोन है या फिर चेरोन है भाई, कौन सी है, क्या ये चर्रान मानने वाली बुगाटी है, नहीं यार चर्रान नहीं छोड़ती भाई ये। अरे अरे कहाँ उड़ रही है, अरे लो अरे ये तो नाच गई गोल गोल। ओहो अरे भाई कब बची है यार, ओहो मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा यार, किस्मत है इसकी, किस्मत अच्छी थी इसीलिए बच गई, किस्मत नहीं होती तो अभी ये नीचे चली जाती। ओ अरे यार ये गाड़ी हर बार टीढ़ी क्यों चल रही है, अरे क्या हो गया भाई, अरे क्या भांगू खा गया ये क्या बुगाटी, अरे सीधी हो जाब, देखो नखरे देख रहे हो उनके, लो उनने अपना मुंह ही खोल लिया आगे से। अरे यार ये गाड़ी में भाई पता नहीं क्या पंगा है, टीढ़ी जा रही है हर बारी। ओ चलो चलो बुगाटी, अरे अरे ये देखो मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ फिर भी जबरदस्ती, अरे चलो 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 चलो, अरे पहुंच गए भाई, भाई मानना पड़ेगा यार बुगाटी ने आज सही में भाई गांजा वांजा फूक लिया पता नहीं क्या यार, मैं तो सही चला रहा था फिर भी चल नहीं रही थी, अब देखते हैं लंबा कितना जंप करती है। अरे ये मारा जंप भाई, गाड़ी में कुछ बात तो है, मतलब बात ऐसी है कि आपने देखा ही होगा जंप लेते टाइम काफ़ी अच्छा स्पीड मोमेंटम बन गया था अपना बुगाटी का, एंड लेट्स सी कि कितना आगे तक जो है भाई जंप करने वाली है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपनी बुगाटी भाई सही सलामत सीधी कर रही है, एंड ओए लैम्बोर्गिनी सियान के ऊपर नहीं, अरे लियो ठुकी गई, मैं बोल ही रहा था भाई कि उसके ऊपर नहीं, ऊपर तो नहीं गिरी है यहाँ पे आके गिरी है पर लैम्बोर्गिनी सियान में ठुकी गई है। एंड फटाफट से गाइज अभी लेके आते हैं अगली कार को, तो गाइज अभी बारी है भैया अपनी बिग डैडी एसयूवी ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड की, तो देखते हैं यहाँ पे जो अपने बड़े पापा हैं भाई वो क्या करते हैं, तो ये चले भैया पापा जी मतलब बर्थडे वाले पापा, अब देखते क्या होता है। ओ काफ़ी सही जा रहे हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पे, ओहो क्या ही जा रहे हैं, अरे वाह वाह भाई मज़ा ही आ गया। अरे नहीं अब गड़बड़ हो रही है, अरे कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी क्या मैंने हैं, हाँ शायद, अरे लियो इनको तारीफ हजम नहीं, लियो अरे फटका पड़ा, अरे नीचे नहीं गिरना, ओह और रुक जा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, और रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओ बच गया बच गया बच गया बच गया, अरे गाइस भाई ऑलमोस्ट हम कर गए, एक काम करते हैं थोड़ा मौका देते हैं स्कॉर्पियन को। तो गाइज वैसे तो अपने रूल के खिलाफ है पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार अपने जो बड़े पप्पा जी हैं इनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कर गए थे पर ये पिलर की वजह से गाड़ी नीचे गिर गई थी। एंड लेट्स गो देखते हैं ये जंप ले पाते हैं नहीं, तो ये चले भैया स्कॉर्पियन हमारे बड़े भाई साहब, और ये मारा है गड्डी ने जंप, और हालत देख सकते हो भाई काफ़ी बेहतरीन और लाजवाब हो चुकी है, इनकी आंखें जो हैं दोनों की दोनों फूट गई हैं भाई, बहुत ही अजीब हो गई है इसकी हेड लाइट गाइज, और डिग्गी बिग्गी देख सकते हो यार बहुत बुरी पिचक गई है। ओके ओके तो ये हो चुकी है अपनी लैंडिंग, ओ लैंडिंग यहाँ पे आके हुई है गाइज, अरे ओ वो कहाँ गई, अच्छा ये खड़ी है, मेरे को लगा अपनी इनोवा क्रिस्टा को चुरा के ले गया भाई, मेरे को अभी कंप्लेंट लिखवाने जाना पड़ जाता यार। तो गाइज अभी बारी है भाई अपनी फरारी की, और देखते हैं भाई अपनी फरारी यहाँ पे कैसा उड़ती है, गाइस क्या लग रहा है अपनी फरारी कर पाएगी, आओ देखते हैं क्या होता है। ओ ये तो फरारी है, ओ इन्हें जंप मार दिया, ओ ओ अरे नहीं, अरे अरे बच गए 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 बच गए, ओहो किस्मत है भाई फरारी के साथ, किस्मत उसकी साथ दे रही है गाइस आज। ओए अरे गड़बड़ हो चुकी है गाड़ी के, अरे नहीं ओ भाई, अरे ना 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 मेरा मुन्ना रुक जा बेटा, अरे अरे रुक जा भाई, ऐ रुक जा, ओ बच गए हम फिर से बच गए हम, दोबारा से लेके चलते हैं गाइस दोबारा से अपनी फरारी को, चलो फरारी उड़ चलो, अरे ऐसा मत उड़ो यार क्या होगा तुम्हारे टांगों में फ्रैक्चर हो गया क्या, हाँ भाई इसकी टांगों में फ्रैक्चर हो गया भाई, ओ अरे हाँ भाई सही में, अरे इसके टायर देखो मुड़ गए पीछे से, हे भगवान क्या होगा इसका, चलो गाइस देखते हैं जंप कितना लंबा करती है, और ये मारा गड्डी ने जंप, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जंप काफ़ी ठीक ठाक सा है, मतलब ओके ओके बोल सकते हैं हम, अभी देखते हैं कितना लंबा कर पाती है जंप गाइस,
ओ भाई गड्डी अपनी यहाँ पे जो है नीचे गिरने वाली है। और भाई टायर वायर देख रहे हो, अब चारों टायरों की जो डायरेक्शन है ना एकदम बड़ी है, अजीब हो गए भाई, फैल गए हैं उधर उधर। ओहो अरे ये तो पूरा छत पे आके गिरी थी। ओ गाइस यहाँ पे आके गिरी है, ठीक है यहाँ पे अपनी फरारी आके गिरी है। एंड देखते हैं अगली कार कितना लंबा जंप करती है। तो गाइस अभी बारी है भाई अपनी बुलेरो कैंपर की। अब देखते हैं कैंपर जो है भैया यहाँ पे कितना कैंप कर पाती है, मतलब कैंप क्यों करेगी यार, कैंपिंग क्यों करेगी भाई ये। अबे सीना चौड़ा करके चलो भाई, डरते हैं क्या किसी से। अरे चलो भाई क्या ही लाजवाब प्रदर्शन है, बेहतरीन गाड़ी, बहुत ज्यादा स्टेबल है भाई, देख सकते हो गाइस कितनी स्टेबल है यार। ओ लो जैसे स्टेबल बोली लो, अरे 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 इसके साथ क्या हो गया, अरे अरे लो इसका भेजा खाली क्यों हो गया भाई। ओ गाइस भाई अपनी बुलेरो कैंपर का दिमाग पूरी तरीके से खाली हो चुका है, मतलब दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है यार, भूसा भी नहीं है क्या, अरे मतलब दिमाग ऐसा है कि इसके जो आते हैं ना मतलब इंजन ही नहीं है भाई, ऐसा क्यों, कहाँ गया इंजन नहीं है, पर फिर भी देखो यार अपनी कैंपर चल रही है। अरे लो फटका पड़ा, अरे नहीं नीचे नहीं बेटा मुन्ना मेरे, अरे रुक जा, ओ बच गए बच गए बच गए। ओ भाई यहाँ पे कैंपर के पास अभी भी जो है भाई चांसेस हैं, ठीक है अब लेट्स गो, देखते हैं इतने में कितनी स्पीड मोमेंटम बना पाती है और कितना लंबा जंप करती है। अरे लो क्या लग रहा है गाइस, जिस हिसाब से अपने कैंपर ने कर रहा है क्या लगता है आपको, क्या ये जो है प्लीन आइलैंड पे लैंड कर पाएंगे या फिर ये पानी में गिरने वाले हैं, क्या लगता है गाइस आपको यहाँ पे। आई थिंक से प्लेन आइलैंड पे गिरने वाला है, हाँ 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 ओ अरे भाई ये तो बहुत इपिक था भाई, गाइस ये तो भाई बहुत आज तक का सबसे बेस्ट मोमेंट यही है कि गाड़ी जो है भाई एक डंडे के ऊपर आके गिरी है, मतलब पेड़ का एक जो झाड़ होता है ना उसके ऊपर आके गिरी है भाई, ऐसा बहुत ही कम होता है यार। ओ भाई साहब तो गाइस अभी लेके चलते अपनी ऑडी R8 को, और इसको हम बोलते हैं भैया अपने इंडिया में छल्ले वाली कार। अब देखते हैं छल्ले वाली कार जो है कितने छल्ले जो है लोगों को पहना पाती है, मतलब आई मीन गाड़ियों को पहना पाती है। ओ छल्ले तो बहुत बढ़िया जा रहे हैं भाई, अरे अरे गड़बड़ लो, अरे भाई साहब क्या हुआ, हेलो कोई परेशानी हो गई, अरे फ्रैंकलिन क्या हुआ भाई, बेटा चक्कर आ गया क्या तुम्हें, अरे गाइस इसके साथ पता नहीं क्या हुआ भाई, ये गाड़ी रोक के उतर क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ में आया भाई। ओ चल 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 चल, आई थिंक से इसके ना ये स्टंटबाजी करने में चक्कर आ गए क्योंकि इस बच्चे को आदत नहीं है गाइस। ओ अरे रुक जा, अरे अरे ओ अरे नहीं नीचे नहीं, ओ काफ़ी बेहतरीन जा रहे हैं पर अब गड़बड़ हो चुकी है, और रुक जा थांबा थांबा, ओ बच गया बच गया बच गया, चल 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 चल, वो काफ़ी सही जा रही है गाइस अपनी ऑडी R8 यहाँ पे। ओहो लाजवाब प्रदर्शन दिखाते हुए, अरे लो अरे ना नीचे नहीं मुन्ना मेरे रुक जा, ओ बच गए बच गए बच गए, बच चुके हैं गाइस, अभी भी मौका है अपनी ऑडी R8 के पास कुछ कर दिखाने का, आओ चलो उड़ चले हवा में। ओ ये हम उड़ गए हैं गाइस यहाँ पे, लेट्स सी कि ये गाड़ी जो है कितना लंबा जंप करती है। और वैसे आप लोग देखते हो तो काफ़ी रफ्तार से हम लोग यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं, और मैं गाड़ी को बिल्कुल भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, जैसी कर रही है वैसे ही कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस। और अरे भाई लो अभी फ्रैंकलिन, बेटा तुम्हें पिछली बार फटका पड़ा था समझ नहीं आया कि सीट बेल्ट लगा के बैठा करो यार, कितनी बार ही तुमसे बोलना पड़ेगा, अभी गिर गए ना मुँह के बल यहाँ पे। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो अपनी ऑडी R8 भैया इस घर की छत पे आके लैंड हो चुकी है, एंड फटाफट से अभी लेके आते हैं गाइस अगली कार को क्योंकि आई थिंक से वीडियो काफी लंबी होने वाली है। गाइस अभी बारी है भाई अपनी फोर्ड एंड योवर की, तो देखते हैं एंड योवर यहाँ पे कर पाएगी या नहीं। और ये चली एंड योवर गाइस, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है दोस्तों क्या लग रहा है आपको। ओ काफी बैठे नहीं डाले हम यहाँ पे, ओ चल चल चल, अरे नहीं नीचे नहीं, अरे गड़बड़ हो रही है, अरे सही है सही है सही है सही है, सही जा रहे हैं बहुत सही जा रहे हैं हम, इतना सही जा रहे हैं कि सीधा 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 नीचे ही पहुंचेंगे, फटका पड़ेगा पिछवाड़े पर, अरे लो मैं, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या हो गया भैया इसके साथ, क्या गाइस इसको एक मौका देना चाहिए, आई थिंक से हमें देना चाहिए। तो गाइस अभी हम गड्डी को दोबारा से ऊपर लेके आ चुके हैं और हम ज़्यादा मौका नहीं देंगे, यहीं से इसको जंप कराने वाले हैं क्योंकि अपनी ये वाली गाड़ी ऑलमोस्ट कर ही गई थी यार, तो इसीलिए हमने इसको मौका दिया है क्योंकि हमने स्कॉर्पियन को भी दिया था तो उसको भी देना बनता है। अभी देखते हैं ये जंप जो है पानी में करती है या फिर अपने सूखे वाले आइलैंड पे, क्या लग रहा है गाइस, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये किसी के छत पे गिरेगी, नहीं नहीं रोड पे गिरेंगे हम। ओके ओके ओ चलो यहाँ पे गाइस अपनी फोर्ड एंड रोवर आ चुकी है और अभी फटाफट से लेके आते हैं अगली कार को। तो गाइस अभी लेके चलते हैं अपनी मर्सिडीज GT63 को और देखते हैं ये जो है
ये जो है कर पाती है या नहीं। और ये चली GT63 काफी बेहतरीन जा रही है भाई। ओए गड़बड़ हो रही है भाई, टेढ़ी मेढ़ी मत उड़, सीधे उड़। अरे नहीं, दिक्कत हो चुकी है, फटका पड़ेगा। मैंने बोला ही था ऐसे कुछ होने वाला है। अरे रुक जा, थांबा। ओए होए, और रुक जा। अरे भाई, ओ क्या बच गई है भाई। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ओ गाइस क्या बचे हैं भाई। ओ चल चल चल, दोबारा चलते हैं। अभी भी अपनी गड्डी रैंप पे है, यहाँ पे काफी बेहतरीन। ओ नहीं, गड़बड़ हो चुकी है। लो अरे ओ बच गए भाई। मानना पड़ेगा GT63 की किस्मत साथ तो दे रही है भाई यहाँ पे। गाइस ये किस्मत साथ नहीं दे रही होती ना तो ये गड्डी मतलब 3-4 बार गिरते गिरते बची थी भाई, बच गई। अभी देखते हैं कितना लंबा ये जंप करती है। और यहाँ पे क्या लग रहा है गाइस, क्या ये सबसे ज़्यादा लंबा जंप करेगी? आई थिंक से मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, क्योंकि मेरे को अभी से जो अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस है वो नज़र आने लगी है। और देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट और लो। तो गाइस जंप जो है ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, अपना बुगाटी के बराबर है। यहाँ पे आके गड्डी ने जंप करा है एंड देखते हैं बुगाटी से आगे करा है या फिर पीछे है। ओके बुगाटी का ही लगभग बराबर का ही है। तो गाइस अभी बारी है भाई अपनी स्कॉर्पियो S11 की, और हम इसको भैया दादाजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपने स्कॉर्पियो एन के जो हैं भाई पापा जी हैं, और वो हैं अपने स्कॉर्पियो एन जो हैं डैडी हैं, तो ये हैं भैया अपने क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर, ठीक है। अभी देखते हैं अपने जो ग्रैंडफादर हैं वो कर पाते या नहीं, क्योंकि इनका जो बेटा है वो तो काफ़ी बढ़िया से कर गया। अरे ले भैया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दादाजी की उम्र हो गई है ना भाई, इसीलिए जो है ये लड़खड़ा गए थोड़े से। और देख सकते हो भाई स्कॉर्पियो S11 क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत सही जा रही थी, पर पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया कि इसने अपना रास्ता बदल दिया, और इसी वजह से अपने जो चैलेंज में आज ये फेल हो जाती है। तो गाइस अभी बारी है भाई अपनी टोयोटा सुप्रा की, तो लेके चलते यार सुप्रा को और देखते हैं ये आज कितनी गाड़ियों की सुपारी लेने वाली। भाई क्या ये सुपारी खा के आइए गाइस, क्या लग रहा है? अरे मतलब सुपारी वो खाने वाली यार, वो वाली सुपारी नहीं, मारने वाली नहीं, खाने वाली। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा भाई, ये सुपारी खा के ना सबके मुंह पे भाई ऐसा पीक मारने वाली है। पर मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है सब इसके मुंह पे कोई पीक ना मार दे। ले ओ भैया, अब तो इसके मुंह पे पड़ेगी भाई। अपनी टोयोटा सुप्रा के ही मुँह पर पड़ने वाली है। और आप लोग देख सकते हो यार गाड़ी जो है वो, अरे फ्रैंकलिन क्या बात है भैया, हवेबाजी में ही गेट बंद कर रहा है भाई। लॉन्डे को डर लगने लगा है, क्योंकि देख रहे हो भाई काफ़ी ऊंचाई से हम गिर रहे हैं। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो भाई अपनी टोयोटा सुप्रा आज की चैलेंज में भाई फेल हो चुकी है। तो गाइस अभी लेके चलते हैं अपनी महिंद्रा बुलेरो को और देखते हैं ये भैया कर पाएगी या नहीं अपना आज का चैलेंज। और ये चली गाइस बुलेरो यहाँ पे, बहुत ही सही जा रहे हैं। और नीचे से देखो भाई प्लेन उड़ रहा है, मतलब देख रहे हो ये रैंप जो है इतना हाइट पर बनाया है ना मैंने कि यहाँ पे भाई प्लेन भी इससे नीचे ही गुजर के जा रहा है। देख रहे हो काफ़ी हाइट पे है गाइस। ओ बुलेरो क्या कर रही है भाई, अरे सीधा चल सीधा। ओ नहीं नहीं फटका पड़ेगा। लो अरे ना 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 ना, नीचे नहीं नीचे नहीं। अरे ये तो डमरू बन गई। अरे नहीं, ओ रुक जा। ओ भैया, अरे भैया इसको क्या हो रहा है इसके साथ? ओ रुक जा गाइस भाई बुलेरो तो भाई क्या ही आई है यार डमरू बन के भाई। ओ चलो गड्डी बच गई है यहाँ पे, और गाड़ी देखो भाई कितनी बुरी हो गई भाई, आगे से तो फट जाती है भाई बुलेरो अपनी, पता नहीं कैसी बुलेरो है। चलो गाइस अभी ये मारा गड्डी ने जंप, और क्या लगता है दोस्तों कि ये जो अपनी कार है वो यहाँ पे बच पाएगी पानी के कहर से? क्योंकि पानी में गिरी तो डूब के मर जाएगी, और अगर अपने आइलैंड पे गिरी तो बच जाएगी। गाइस आओ देखते हैं भाई क्या होता है। चलो यहाँ पे गाड़ी जो है भाई सही जगह आके गिरी है, और देख सकते हो गाइस आप लोग, एंड फटाफट से अभी लेके आते हैं अगली कार को। तो गाइस अभी बारी है भैया अपनी मस्टैंग की, तो देखते हैं अपनी मस्टैंग जो है वो यहाँ पे क्या भाई घोड़े की तरह दौड़ पाएगी, क्योंकि इसके पे लोगों पे यार घोड़ा बना होता है, मतलब हॉर्स, दौड़ने वाला हॉर्स। अरे हॉर्स तो तभी दौड़ते हैं यार, मैं भी ना कभी ऐसी बातें कर देता हूँ जिससे ना तो कुछ सर होता है ना ही कोई पैर। अरे कहाँ जा रही है मस्टैंग? अरे लो, अरे भैया पिछवाड़े पे क्या फटका पड़ा है इसके। अरे रुक जा, अरे लो खेल खत्म समझो भाई, खत्म है गाइस, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। तो गाइस अभी बारी अपनी XUV700 की, और लेके चलते इसको फटाफट से यहाँ पे। अबे आज तो कुछ प्लेन कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हैं क्या भाई? लॉस सैंटोस में आज तो यार कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं भाई। ओ XUV700 कहाँ जा रही है? उधर नहीं लो। अरे मुँह पे पड़ा फटका। अरे ना ना ना, अरे ना 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 ना, ये क्या हो गया XUV700 के साथ? गाइस भाई क्या हो गया भाई इसके साथ, बहुत बुरा हुआ,
बहुत बुरा हुआ। तो गाइज अभी बारी है भाई अपनी मर्सिडीज जी वैगन की। और बाकी यार गाइज जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे यार तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारे भाई को बहुत मेहनत लगी है भाई इस वीडियो को बनाने में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग लाइक जरूर से कर दोगे। अगर आप लोग एक लाइक करोगे ना तो मेरी मेहनत भाई सफल हो जाएगी। तो प्लीज लाइक कर देना गाइज, एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। और बाकी देख सकते हो भाई अपनी जी वैगन क्या जा रही है बढ़िया। और लो गड़बड़, जैसे ही मैंने बोला बढ़िया वैसे ही अरे नहीं, अरे रुक जा, अरे लो खत्म मामला भाई। मैं क्या करूँ गाइस, मैंने बहुत ट्राई करा, बहुत ज़्यादा ट्राई करा पर गड्डी रुकी नहीं। और इसीलिए गाइस आज के अपने चैलेंज में भाई मर्सिडीज जी वैगन भी जो है वो भाई आउट हो जाती है। और बाकी गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आज के अपने पूरे चैलेंज में जो सबसे ज्यादा लंबा भाई छलांग मारी है वो है गाइस अपनी बुगाटी। क्योंकि आप लोग देख सकते हो अपनी लैम्बोर्गिनी थोड़ा सा पीछे, मतलब बुगाटी अगर बोनेट वाला हिस्सा देखोगे ना तो थोड़ा आगे निकला हुआ है। और इधर अपनी भाई जी वैगन, वो जी वैगन करो GT63 भी खड़ी है। हाँ मर्सिडीज की है ना, हाँ ये GT63 है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस आज के अपने चैलेंज में भाई सबसे लंबा जो जंप करा है वो है अपनी इस वाली बुगाटी ने। मेरे को इसका नाम याद नहीं रहा, आई थिंक वेरॉन या फिर चेरॉन, दोनों में से एक हो गया, आप लोग कमेंट में बताना। और बाकी गाइस मैं मिलता हूं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।